मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा भोजन व्यवस्था करके हाईवे पर वितरण का काम सौंपा गया है। ललितपुर में, अमरपुर में जिला के पदाधिकारियों द्वारा वितरण चल रहा है। और अभी हमारा जो सबसे पहले बॉर्डर पड़ता है, उस बॉर्डर पर अंजरा घाटी पर हजारों की संख्या में हमारे प्रवासी आते हैं। अभी दो दिन पूर्व हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री जय कुमार सिंह जी के द्वारा 2000 लोगों को एक साथ भोजन वितरण किया गया था। और लगातार रोज़ हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोगों का केवल एक ही सोच है कि नर सेवा नारायण सेवा, भोजन और पानी के माध्यम से हमारे जनपद से कोई भूखा ना निकले, कोई किसी तरह से प्यासा ना जाए। ये सारी व्यवस्था हमारी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर की जा रही है। और मैं प्रवासियों से भी लगातार कह रहा हूँ कि कोई भी पैदल ना जाए। हमारे शासन की ओर से निरंतर ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी को साधन उपलब्ध करा करके उनको उनके स्थान पर छोड़ा जा रहा है। पैदल जाएंगे तो समस्या होगी, क्योंकि हम जिस वजह से, जिस रोग की वजह से अपना जहां हम काम कर रहे थे उस स्थान को छोड़कर निकल रहे हैं, और पैदल जाएंगे और जान है जो आधार है, यदि जान ही नहीं रहेगी तो हम फिर अपने गंतव्य को छोड़कर निकल कर क्या करने वाले। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो बिल्कुल पैदल ना निकलें। साधन उनको उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है, रुकने की व्यवस्था है, क्वारंटाइन करा के उनको व्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था की गई है। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे जो लोग सेवा में लगे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना परिवार की चिंता ना करके प्रवासियों की चिंता निरंतर किए हुए हैं और उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस तरह कुछ करना नहीं चाहते हैं वो केवल इस तरह की व्यवस्था बिगाड़ने की बात करते हैं। मैं तो ये उनको कहता हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि उनको किसने रोका है कि वो सेवा ना करें। वो आएँ और हमारे साथ खड़े होकर के हमारे साथ खड़े हो जाएँ और प्रवासियों की सेवा करें। निरंतर आपने देखा होगा हमारा प्रशासन चाक चौबंद होकर के सेवा में लगा है। भोजन की व्यवस्था हमारा जिला पूरा संभाले है। प्रशासन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा ये भी हम लोग देख रहे हैं। और COVID-19 का जो वर्ष है इसमें हमको लंबे समय तक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। और हम लोग अपने मुंह पर मास्क हर हालत में लगाए रखें, हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। और विपक्ष की बातें हम ये जानते हैं, अभी आपने देखा होगा प्रियंका वाड्रा द्वारा 1000 बसें उपलब्ध कराई गई, लेकिन आप सबने देखा उसमें टैक्सी, टू सीटर, रिक्शा आदि के नंबर निकले, नाम बसों का दे दिया। ऐसे मखौल बना करके प्रवासियों की सेवा का जो नाटक रचती हैं, इनको मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि जनता की सेवा हर आदमी के बस की नहीं है। जनता की सेवा करना तो हमारे संघ परिवार से सीखें, भाजपा कार्यकर्ताओं से सीखें, और सेवा भाव से ही प्रवासियों की सेवा करें, दिखावा ना करें। निश्चित रूप से उनको इस घटना से चेतन होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और प्रवासियों के साथ अपने मजाक पूर्ण वातावरण को दूर रखना चाहिए। प्रवासियों द्वारा वितरण चल रहा है। और अभी हमारा जो सबसे पहले